अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। प्रोग्राम का आगाज़ अफसोसनाक और दिलखराश खबर। पुलिस लाइन्स की मस्जिद में खुदकुश धमाका, 47 अफराद शहीद, 140 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। पिछले कई दिनों से दहशतगर्दी की एक नई लहर ने जन्म लिया था और बिल्कुल भी इस तरह की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि इस तरह का कोई वाकया होगा, लेकिन आज अफसोसनाक वाकया हुआ। 47 नमाजी शहीद हुए और साथ ही साथ 140 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। पाकिस्तान एक बार फिर, चूँकि माशी तौर पे तो हम दहशतगर्दी का शिकार थे ही, अब जो सही मानों में दहशतगर्दी है उसका सामना है। और पिछले कई दिनों से इस तरफ ख़ास तौर पे अफगान बॉर्डर जो है हमारी, तकरीबन कोई 2600 किलोमीटर किस ये सरहद है, फेंसिंग हो चुकी है और यहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल काफ़ी बेहतर थी, लेकिन पिछले कई दिनों से इस तरह के वाक़ात इक्का दुक्का वाक़ात हो रहे थे और कुछ तेज़ी भी आई थी। लेकिन अब जो आज का वाक़या हुआ, इसने पूरे पाकिस्तान को अफसरदा कर दिया और अफसोसनाक भी है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। आज आर्मी चीफ ने विज़िट किया, प्राइम मिनिस्टर ने विज़िट किया और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से इसकी मजम्मत भी की गई, लेकिन क्या हम कब तक लाशें उठाते रहेंगे और इस तरह मजम्मत करते रहेंगे? ये मामला जो है वो रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा और कुछ अरसे तक अमन अमान बहाल रहता है और उसके बाद दोबारा से ये चीज़ें सर उठाती हैं? इस पूरे अमल में नरमी कहाँ हुई और क्यों हम इस इम्पॉर्टेंट सरहद को भूल जाते हैं? और फेंसिंग के बावजूद और जो दुश्मन ममालिक हैं, ख़ासतौर पर भारत, उसकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी रहती हैं। अफगानिस्तान के वाया वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं और अभी भी आज हमारे वज़ीर दिफा कह रहे थे कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, हमारे पास इसकी रिपोर्ट्स हैं। और इसके ऊपर अमल क्यों नहीं किया जा रहा और नरमी क्यों दिखाई जा रही है, इस पर प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। और ख़ासतौर पे इस वक्त जो महंगाई का तूफान है, एक तरफ दहशतगर्दी है और दूसरी तरफ हुकूमत ने रातों रात आवाम के ऊपर पेट्रोल पम्प गिरा दिया और इसकी वजह से और ज़्यादा महंगाई बढ़ गई। और न सिर्फ महंगाई बढ़ी, आज आम आवाम में बेचैनी, महंगाई तो पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा थी लेकिन बेचैनी है और गैर यकीनी की सूरत हाल है जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। महंगाई से भी ज़्यादा ख़तरनाक ये है कि इस वक्त लोगों के दिलों में और जहनों में अफरा तफरी और इस तरफ की जो चीज़ें आ रही हैं वो मुल्क पाकिस्तान के लिए, रियासत के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं और उसके ऊपर हुकूमत संजीदगी से काम करने को तैयार नहीं। तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ पैनल पे मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हा साहब, सीनियर दिफाई तजियाकार हैं, बड़ा ज़बरदस्त एक्सपोजर है आपका, ख़ासतौर पर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के वाले से, सिक्योरिटी के वाले से, और ख़ासतौर पर इस खत्ते की जो डेवलपमेंट्स होती हैं उसके ऊपर बड़ा अच्छा बोलते भी हैं और लिखते हैं। खुशाब्दी कहते हैं ब्रिगेडियर साहब आपको प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया। मुबशिर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और आप उनको अक्सर टीवी टॉक शोज में देखते हैं। मुबशिर बुखारी साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया। उस बार रियाज जुदून साहब हमें ज्वाइन करेंगी थोड़ी देर में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगी और उनका ताल्लुक के पी से ही है, वहीं से वो असम्बली में भी आई थी। उनसे पूछेंगे कि इस वक्त के पी की सूरत हाल क्या है और क्यों पिछले कई दिनों से दहशतगर्दी की लहर जो है वो वहाँ तेज़ी से उसमें इजाफा देखने में आया। ब्रिगेडियर साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं, अफसोसनाक वाकया है, ज़ाहिर है वाकया हो जाता है। आज प्राइम मिनिस्टर ने भी और चीफ साहब ने भी विज़िट किया और ब्रीफिंग भी ली उन्होंने। ये पहले भी आपके साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स में हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि इस पूरे जो बेल्ट हमारा तकरीबन कुछ 2600 किलोमीटर की सरहद है, फेंसिंग के बावजूद भी उस तरफ से कोशिश की जाती रही, तालिबान जो है वो हमारा जो अमन एग्रीमेंट है उसके खिलाफ वर्जी करते हैं, लेकिन हम कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, ज़ाहिर है उनको उस तरह जवाब नहीं दिया जाता। चीज़ें डील करने की बात होती है, बेहतर डील करें ताकि कोई अफरा तफरी ना मचे, लेकिन अब सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो गई है। जो आज का वाक़या हुआ और इससे पहले भी जो वाक़यात होते रहे, हमारी तरफ से तो नरमी दिखाई जाती है लेकिन वो अपनी भरपूर कार्रवाइयाँ करते हैं। आप क्या किस तरह देखते हैं इस पूरी आज की इस कार्रवाई को भी, और ख़ास तौर पे ज़रा जो एक अमन का एक प्रोसीजर था आगे चल रहा था और पाकिस्तान इसमें ज़रा बड़ा ज़बरदस्त इनपुट है, पाकिस्तान का कुर्बानियाँ हमारी, हमने सबसे ज़्यादा इस जंग में कुर्बानियाँ भी दी हैं, अमन अमान की बहाली में पूरी दुनिया इसकी मोतरफ भी है, लेकिन क्या वजह है कि हम इस दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जफीर आपने बिल्कुल सही फरमाया कि भाई हालात ऐसे क्यों दोबारा उस तरफ चले गए कि हम पाकिस्तान को दोबारा एक दहशतगर्दी की जो एक कफरियत है, एक जिन जो है दोबारा बेकाबू हो रहा है।
उसकी वजह से करिए रीजनल वजह बिल्कुल एक सुप्रीम वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है दोबारा दहशत गर्दी का शिकार हो रहा है। उसकी वजह अगर आप ले लें उस तरह से तो तालिबानी गवर्नमेंट जब से आई उनको अभी तक इंटरनेशनली किसी ने तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान के नेबर होने के बावजूद पाकिस्तान की माशी जो उनकी कंडीशन है वो इस तरह की नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट या अपने सॉवरन फैसले कर सके। मैं तो यहां तक कहता हूँ वो अमेरिका के साथ लाइन तो करते हैं शायद, और दुनिया भी बाकी भी दुनिया की तरफ में अगर आप देखें तो कोई तालिबानी गवर्नमेंट को उस तरह से नहीं कबूल कर पा रहा। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो नेचुरल एक बायलैटरल रिलेशनशिप का रिश्ता जो पहले मौजूद था वो उस तरह से पनप नहीं पाया। अब उसके साथ साथ जब अफगानिस्तान को कोई दुनिया तस्लीम नहीं कर रही तालिबान एक गवर्नमेंट को, तो तालिबान ने जब पाकिस्तान की तरफ देखा और हम अभी एक स्टेप आगे ना हुए तो उसकी वजह से उनका ट्रेड जो है इंडिया की तरफ हो गया। अब इंडिया दोबारा वो कॉन्सुलेट्स भी खोलने के लिए वहां पे उसका अमल जो है वो शुरू हो चुका है। इसके अलावा तालिबान को जो मजीद कोई हेल्प चाहिए तो पाकिस्तान की तो अपनी मईशी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो तालिबान ही क्या हेल्प करेगा, तो लिहाजा इंडिया की तरफ ट्रेड होता चला गया। अब इंडिया जो है उनके अफगानी जो सोल्जर्स हैं उनको अपनी अकेडमीज में ट्रेनिंग भी दे रहा है, तो एक कंप्लीट किस्म का सिनेरियो मिलिट्री लेवल के ऊपर अफगानी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके अंदर इंडियन नैरेटिव जो है वो पलता फूलता जा रहा है। तो ये सब उसका जो है वो शख्साना भी है। इसके अलावा पाकिस्तान जो जितनी स्मगलिंग जो रही थी उसके ऊपर उन्होंने सख्ती से अब जो अमल शुरू किया, जिसमें चमन में हालात खराब हुए। इसके अलावा जो हमारी जो बॉर्डर पेशावर के साथ लगता है वहां पे भी हालात खराब हुए। ड्यूरन लाइन को वो पहले नहीं मानते थे और जब अभी हमने बाढ़ लगाई तो पिछली गवर्नमेंट के दौरान तो उन्होंने उस पर इतना रेजिस्ट नहीं किया, लेकिन अभी वो क्विड प्रो को हासिल करने के लिए वो जगह जगह से काट भी रहे हैं। तो पाकिस्तान एक किस्म का टू फ्रंट वॉर का जो है वो एक किस्म का सामना इसको करना पड़ रहा है। जहां तक आज की जो दहशत गर्दी है इसको अगर आप इसका मुहासबा करें अगर, तो ये एक बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि आपकी जो इंटरनल इनस्टेबिलिटी है उसकी वजह से दहशत गर्दों को और हमारे जो हमसाया असली दुश्मन हमारा उसको एक मौका मिला है कि वो दोबारा से अपने यहाँ पे कदम जमाए। अब उसको अफगानिस्तान से डायरेक्ट सपोर्ट ही मिल रही है जिसका भरपूर मुजाहरा वो बलूचिस्तान में और केपीके के अंदर कर रहे हैं, फाटा के अंदर सवाइल कर रहे हैं। तो अभी आज भी जो हुआ है हमने शायद उससे सबक नहीं सीखा था जब बन्नू में सीटीडी के हेडक्वार्टर के ऊपर हमला हुआ था, उससे अगर हम सीख जाते तो आज कॉम्प्लेसेंसी का हम शिकार ना होते और मेन जो रेड जोन के एरिया पेशावर का जहाँ पे आपका सिविल सेक्रेटेरिएट मौजूद है वहां पर दहशतगर्द के अंदर आना एक बहुत बड़ा लम्हा जो है फिक्र का लम्हा है। मेरे ख्याल में कॉम्प्लेसेंसी का शिकार हुए और हमें जितना इसको जल्दी एड्रेस करेंगे उतना आपका बेहतर। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आना इसका वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। बिल्कुल बहुत वैलिड पॉइंट है ये, और ज़्यादा पॉलिटिकल अब हम सिक्योर होंगे, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो सकती है, और ज़्यादा सियासी जो इस्तेकाम है वो माशी इस्तेकाम से जुड़ा हुआ है। फूड सिक्योरिटी पे भी आगे चल के मैं आपसे पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा, और ये सारी चीज़ों का फ़ायदा हमारा दुश्मन मुल्क कैसे उठा रहा है इस पर भी बात करके। मुबशिर बुखारी साहब किस तरह देखते हैं, एक तो मुल्क की सियासी सूरत हाल आपके सामने है, आप डेली बेसिस पे उसके ऊपर लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, टीवी टॉक शोज़ में भी जाते हैं, किस तरह देखते हैं कि हम ज़रा अभी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे उन्होंने विज़िट भी किया और उन्होंने कहा जी रियासत और अवाम इत्तेहाद के साथ इन दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। 75 सालों से ये बात हम सुनते आ रहे हैं और बिल्कुल अवाम रियासत के साथ खड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं। हुकूमतें हमें नज़र नहीं आती हैं, और हुकूमतें अगर नज़र आ भी रही हैं तो पॉइंट स्कोरिंग में नज़र आ रही हैं। पिछले कई दिनों से आज दोबारा से नेशनल एक्शन प्लान याद आ गया, हम देख रहे थे कि इसके ऊपर बात नहीं हो रही थी। सवात में क्या हो रहा था, चमन में क्या होता रहा सबको पता है, लेकिन उसको पॉलिटिकली डील करने की कोशिश नहीं की गई। आज उसके नताइज आपके सामने हैं, आप किस तरह देखते हैं इसको एज पॉलिटिकल एनालिस्ट भी और एज पब्लिक फिगर भी, आपको लगता है कि जो वज़ीर आज़म ये जो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हैं? इत्तेहाद तो ज़रूरी है, लेकिन इत्तेहाद से पहले जो गैर यकीनी की सूरत हाल है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? जी बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन जब गैर यकीनी की सूरत हाल होती है तो ऐसी सूरत हाल में आपकी पॉलिसी में दरारें पड़ जाती हैं। जब इस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन, और अगर कोई फॉर्मुलेटेड पॉलिसी हो उसकी इम्प्लीमेंटेशन मुअसर तरीके से नहीं हो सकती। ये तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से बात है, लेकिन अगर हम देखें जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं थी तब भी सिक्योरिटी फोर्सेस पे बहुत ज्यादा हमले हो रहे थे। पिछले साल 2022 में भी हुए, 2021 में भी हुए, और उन्होंने जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है
उन्होंने तो टारगेट पर रखा था हर किस्म के सिक्योरिटी फोर्सेस, और अभी शायद हम मीडिया उस तरह से रिपोर्ट भी नहीं करते कि मुल्क में थोड़ी सी अनार्की ना फैले या कोई केओटिक सिचुएशन ना हो जाए। डेली बेसिस पे हमारे जवानों पे हमले होते हैं और जामे शहादत भी नोश करते हैं, जवाब में करते हैं। आजकल पंजाब में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बड़ा एक्टिव हुआ हुआ है, हर रोज बंदे अरेस्ट भी हो रहे हैं, मुश्तबा अफराद को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम जो मुझे लग रहा है, और चूंकि मैंने इसको काफी अरसे से मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, हमारी पॉलिसीज में तसलसल नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह कि हमारा जो ऊंट है ना वो किसी एक करवट नहीं बैठता। कभी हम तालिबान हमारे भाई हैं और हम उनके साथ नेगोशिएशंस करेंगे, और कभी हम उनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। ये फार्मूला जो है हम मुसलसल दर मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी हम नेगोशिएशन टेबल पे चले जाते हैं, फिर हम ही हैं जो गुड और बैड का कॉन्सेप्ट भी दे देते हैं। तो जब इस तरह की कंफ्यूज पॉलिसीज होंगी तो उसका आउटकम इसी तरह होगा, क्योंकि मेरे मुशाहदे में ये बात आई है कि जब आप इस तरह के अस्क्रियत पसंद नासर को स्पेस देते हैं और आप किसी एग्रीमेंट पे पहुंचते हैं तो फर्दर स्पेस मांगते हैं। माजी में कई पीस डील्स हुई थी, ब्रिगेडियर साहब इधर बैठे हैं, उनके इल्म में है। हम अगर कई पैक से स्टार्ट हो जाए और उसके बाद आप देखें कमांडर नेक मोहम्मद से आप स्टार्ट हुए थे, उसके बाद अब्दुल्ला महसूद से भी आप स्टार्ट हुए थे, उनके साथ भी पैक किए, फिर आपने बैतुल्ला महसूद के साथ भी पीस डील की, उसके बाद आपने सवात में पीस डील की। तमाम पीस डील्स जो हैं जो ही हुई उसके बाद वो फौरी तौर पे खत्म होती गई, क्योंकि वो फर्दर स्पेस मांगना शुरू हो गए थे। मेरा ख्याल है कि एक परमानेंट पॉलिसी, और वो भी नेशनल कंसेंसस के साथ बनानी चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान हमने बनाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पे हम उस इन लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से दोबारा अस्क्रियत पसंदों को मौका मिला अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने का, और फिर वो उन्हें यहाँ पे चूंकि हेवंस मिल जाती हैं। और हमारी बुखारी साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और यही वो बात है जो दो डिपार्टमेंट्स हमारे जहाँ पे बड़ी जरूरी है कि अगर हुकूमतें चेंज भी होती हैं, किसी भी कोई भी प्राइम मिनिस्टर आए तो उनके ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान की आप बात कर रहे हैं, वो हमने देखा, अब बीच में सुसरवि का शिकार हो गया था, शायद हम ये सोच रहे थे कि अब अमन अमान बहाल हो गया, उस तरह उस पर अमल नहीं हुआ। और सीटीडी की आप बात कर रहे हैं, पंजाब में जो वाक़यात हुए वो भी आपकी आपके सामने, और बलूचिस्तान और केपी में तो मुसलसल हो रहे हैं, शहादतें हो रही हैं, ज़ाहिर है हमारे जवान जो हैं वो सरहदों पर अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं। लेकिन माशी तौर पे और जब हम दिफाई पॉलिसीज़ की बात करते हैं तो उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई गफलत नहीं बरती जा सकती। हम यूनिफॉर्म पॉलिसी को क्यों अडॉप्ट नहीं कर पाते, जिस तरह अभी कहा जा रहा था कि चार्ट ऑफ इकॉनमी भी होगा जो कि नहीं हो सका, हुकूमत किसी की भी आए जाए एटलीस्ट एक यूनिफॉर्म पॉलिसी हो कि आपने आपकी इकॉनमी डिस्टर्ब ना हो, आपकी दिफाई या खारजी पॉलिसी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। हम इस तरफ अपने आप को क्यों टिल्ड नहीं कर पा रहे एज स्टेट? जी अनफॉर्चुनेटली स्टेट से पहले एक कॉम, हमें एक कॉम में ढलने की जरूरत है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पॉलिटिकल मसाइल, हमारे मजहबी फिरकावारियत, और उसके बाद हमारी जो लिसानियत है उसकी बुनियाद के ऊपर जो हुआ है यहाँ पे डिफ्रेंशिएट, वो अब स्प्लिट हुई हुई है पूरी सोसाइटी, उसके नतीजे में मतलब हो सकता है। और ऐसे में लीडरशिप का काम होता है कि अपने जितने भी उनके हों उसे बालाए ताक के इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए जो है वो एक मतलब कंसल्टेशन प्रोसेस में जाए। जरा एक सेकंड आवाज डिस्टर्ब हो रही है मुझे। जी बहार साहब मैं आऊंगा आपकी तरफ आऊंगा, मैं ब्रिगेडियर साहब से जब तक आप बात कर लेता हूँ। ऑडियो चेक कर ब्रिगेडियर साहब एक चीज आप चूंकि चीफ साहब ने आज विजिट भी किया, उनको सिक्योरिटी ब्रीफ भी दिया गया, ये जो एरिया है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ज़ाहिर अफगानिस्तान के साथ बलूचिस्तान और केपी की जो पूरा बॉर्डर है वो लगता है आबादी है, मिक्स आबादी है, वहाँ पे भी रिश्तेदारियाँ इधर भी हैं। थोड़ा सा मामला जो हैं वो ज़ाहिर चमन बॉर्डर का आपने जिक्र भी किया, वहाँ पे भी
चूंकि स्मगलिंग का सबसे बड़ा धंधा होता है यहाँ पे, उसको जब बंद किया गया तो बड़े तहफ़ुज़ात थे दोनों तरफ से, और ज़ाहिर लोग शिकवे शिकायत करते हैं कि हमारा बिज़नेस रुका हुआ है। इस पूरे अमल में ज़ाहिर इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं। अभी बुखारी साहब भी फरमा रहे थे कि हमने देखा कि इनसे इनके साथ जब हम डील करते हैं, प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, तो ये दूसरे तरीके से वार करते हैं। इस अमल को आगे कैसे ले जाया जा सकता है, क्योंकि फेंसिंग इतनी मुश्किल से हमने वहाँ पे फेंसिंग की, फेंसिंग के बाद वो तारें उखाड़ के ले जाना शुरू कर देते हैं, हमारे जवानों को शहीद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ज़्यादा बर्दाश्त करते हैं। हम चाहते हैं कि उनको किसी तरह जो हमारा एक पीस प्रोसीजर है इसको कंटिन्यू कर सकें। आपको क्या लगता है कि क्या पॉलिसी हो सकती है? नेशनल एक्शन प्लान तो अपनी जगह है, लेकिन हम इसको इमीडिएट डील कर सकें और हम इस दहशतगर्दी से बाहर आएं, और भारत पूरे प्लान के साथ आ रहा है, वो उसको पता है पाकिस्तान के हालात क्या हैं, और उसको हमारी सारी कमजोरियों का भी पता है, लेकिन हम बींग अ नेशन कैसे इन चीज़ों से निकल सकते हैं, हम सिक्योरिटी फोर्सेज की कैसे मदद कर सकते हैं और कैसे हम इस पूरे माहौल से बाहर आ सकते हैं? जी बिल्कुल जफीर, देखिए इस वक्त हमें लड़ाई से तो अफगानिस्तान के साथ हम कभी सुलह नहीं कर सकेंगे, कि अफगानिस्तान इज नॉन फॉर के इससे पहले जितनी भी जंगें उनके साथ हुई हैं बड़े वो गुरिला वॉरफेयर के ऊपर बिलीव करते हैं। गुरिला वॉरफेयर बड़ी अनकन्वेंशनल किस्म की वॉर होती है, लेकिन हम उनको हिट कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जी लेकिन क्या हिट करने से अफगानी सोल्जर्स को या उनके इंस्टॉलेशन हिट करने से क्या मसाइल का होगा? तो मेरे ख्याल में नहीं। तो लिहाजा एक डायलॉग को जी अफगानिस्तान गवर्नमेंट है को जी 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 डायलॉग को मौका देना चाहिए जो उनके उनके साथ बैठ के बात करें। दूसरा जहां तक यह ताल्लुक है कि आप इंटरनेशनली इसको कैसे कर सकते हैं, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन तो जरूर है ओआईसी के अंदर। तो मेरे ख्याल इस मामले को ओआईसी में उठाया जाए, जहां पे ईरान के अंदर इस पर कल ड्रोन अटैक्स हुए हैं, अफगानिस्तान को एक सर्वाइवल का एक एफर्ट करनी पड़ रही है, पाकिस्तान की इकोनॉमी और आपस में जो है वो चपलिश बढ़ती जा रही है, तो शायद ओआईसी का प्लेटफॉर्म भी ऐसा हो या कोई म्यूचुअल ऐसी कंट्रीज हो जिसके साथ मिलके आप इनके साथ एंगेजमेंट कर ठीक है सकें, मीर जहां साहब, पे इस बार आप जो बात ताल्लुक है करें वो फेंसिस को काट रहे हैं, तो फेंस उन्होंने जी चंद जगहों पे डैमेज जरूर की है, लेकिन अगर आप कहें कि पूरे काटी है या बहुत उन्होंने रास्ते बना लिए हैं तो ऐसा नहीं है, बिकॉज फैंस को पूरा 100% जो है वो फायर के साथ ऑब्जर्वेशन के साथ उसको कवर नहीं कर सकते हैं, तो ठीक फैंस को डैमेज जरूर किया, लेकिन ये भी डायलॉग के जरिए इसको हल किया जा सकता है। इंडिया यही चाहता है कि आप फिजिकल कंफ्रंटेशन या मिलिट्री कंफ्रंटेशन की एफर्ट में जाएं अफगानिस्तान के साथ, ताकि इंडिया की तरफ से भी आप कमजोर हों और अफगानिस्तान की तरफ से भी आपको जो है वो मार पड़े या उधर एंगेज हो। तो लिहाजा हमें कन्फ्रंटेशन को या मिलिट्री कन्फ्रंटेशन को हर सूरत में अवॉइड करना चाहिए। वन सेकेंडली इस वक्त अगर आप देखें मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी, तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर जो है वो जी ब्रिगेड साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी ऑडियो भी हम तक सही तरह नहीं पहुंच पा रही है, हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज कट रही है ब्रेक जवाब ब्रेक के मुझे ब्रेक ब्रेक में जाना है, ब्रेक के बाद हम दोबारा आपकी तरफ आएंगे और थोड़ा सा जब तक हमारी ऑडियो भी बेहतर हो जाएगी और हम आपसे जानेंगे कि इसमें कोई शक नहीं फेंसिंग हमारी है और हमारी तरफ से कभी भी इस चीज़ का कोई जहरीत का मुजाहरा नहीं किया जाता, अवॉइड करते हैं हम कि किसी भी तरह की कोई इस तरह की इंगेजमेंट ना हो। और लेकिन जब कब तक खामोश रहा जा सकता है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान अब जिम्मेदारी कबूल करता है कि हम इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और हो रही हैं। दूसरी तरफ जब तालिबान से काबुल में बात की जाती है तो वो कहते हैं कि कुछ ऐसे अनासर हैं जो इस तरह इस अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनकी ग्रिप में नहीं है, उनकी ग्रिप में कैसे आएंगे, उनके कंट्रोल में कैसे आएंगे? और चूँकि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं इस पूरे अमन बहाली में, और पाकिस्तान ने अफगान महाजरीन का साथ दिया, हमेशा दिया, आज भी दिया और पहले भी देते रहे, लेकिन क्या वजह है कि इस पूरे अमन अमान को जो इसका जो फ़ायदा है वो पाकिस्तान को होने के बजाय उसका नुकसान होता है, और हमारे दुश्मन ममालिक हैं और कुछ ऐसे मुल्क भी जो बज़ाहिर तो पाकिस्तान की फेवर में होते हैं लेकिन वो पाकिस्तान की मुखालफत करते हैं, और इस पूरे जब पाकिस्तान किसी मुश्किल में फंसता है तो उसका फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं, इस पर बात करने की, और ख़ास तौर पर फूड सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है और इन हालात का ही और इस टाइमिंग का इस्तेमाल क्यों किया गया, इस पर ब्रिगेडियर साहब से राय भी लेंगे और हमारे बाकी पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले एक मशवरा।